दिस इज राजकुमार खाकर। टुडे वी डिस्कस ऑन द आइसोमेरिज्म। जैसा कि हम बात करते हैं आइसोमेरिज्म, सबसे पहले जे वर्सिलियस ने इंट्रोड्यूस करवाया। जे वर्सिलियस, आइसोमेरिज्म वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय जे वर्सिलियस। अब आइसोमेरिज्म जो वर्ड है वो ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। आइसो मतलब सेम आर इक्वल एंड मेरोस, कुछ बुक्स में मेरोस लिखा हुआ है और कुछ में मर्स, मींस यूनिट मॉलिक्यूल्स आर द पार्ट, मतलब सेम यूनिट्स हो, सेम मॉलिक्यूल्स हो या सेम पार्ट हो तो उसको आप आइसोमेरिज्म कहते हैं। अब आइसोमेरिज्म जो है उसको दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक को आप कहते हैं स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल आर द कॉन्स्टिट्यूशनल, स्ट्रक्चरल आर द कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म, और दूसरा है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म ये दो टाइप हैं आइसोमेरिज्म की। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता क्या है, तो उसको कहते हैं सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो, सेम हो, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, और इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो। क्यों डिफरेंट होता है, ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। यहां पर जो एटम्स की अरेंजमेंट होती है वो डिफरेंट होती है, तो उसको आप कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म या कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म। ऐसा आइसोमेरिज्म जिसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या हो, चेंज हो, जैसे CH3 CH2 OH मैंने लिख दिया। अब इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बनेगा भाई, कार्बन कितने हैं, दो हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, 3, 2, 5 और 1, 6, ऑक्सीजन कितने हैं, 1। फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हैं CH3 O CH3। अब देखें यहां पर कार्बन कितने हैं, दो हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, 6 हैं, और ऑक्सीजन 1 है। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है लेकिन स्ट्रक्चर दोनों की क्या हो गई, चेंज हो गई, तो इस टाइप के आइसोमेरिज्म को आप कहते हैं स्ट्रक्चरल और कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं इनके टाइप्स पे। इनके जो टाइप्स हैं अपने पास वो कुछ इस तरह है। पहले तो आप कहते हैं चेन आर द स्केलेटल आइसोमेरिज्म, दूसरे को आप कहते हैं पोजिशन आइसोमेरिज्म, तीसरे को आप कहते हैं फंक्शनल फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म या फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फोर्थ को आप कहते हैं मेटामेरिज्म, और लास्ट को आप कहते हैं टाटोमेरिज्म। ये सारे टाइप्स हैं स्ट्रक्चरल कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म में। आज हम जिन आइसोमेरिज्म पे डिस्कस करेंगे वो दो होंगे, एक चेन और पोजिशन आइसोमेरिज्म। बोर्ड भाजी, अभी हम बात करते हैं आइसोमेरिज्म के कैरेक्टरिस्टिक की कि भाई आइसोमेरिज्म होते कैसे हैं। तो आइसोमेरिज्म जो होते हैं उसके लिए सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, मतलब उनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो सेम होता है। अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है तो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला मास, तो उनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला मास होगा या मॉलिक्यूलर मास होगा या मोलर मास होगा वो सेम ही रहेगा। उनका एम्पिरिकल फार्मूला सेम होगा, सेम एम्पिरिकल फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला भी सेम ही रहेगा, और सेम एम्पिरिकल फार्मूला मास
और एम्पिरिकल फार्मूला का जो आप मास निकालेंगे वो भी सेम रहेगा। उसके बाद है सेम वेपर डेंसिटी, इनकी जो वेपर डेंसिटी का वैल्यू आएगा वो भी सेम आएगा, और सेम डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, और डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का जो वैल्यू आएगा वो भी सेम ही आएगा। अब हम यहां पर एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अपने पास है CH3CH2OH, ये अल्कोहल फैमिली है CH3OCH3, ये ईथर फैमिली है, ये हो गया अल्कोहल फैमिली का मेंबर और ये हो गया ईथर फैमिली का मेंबर। अब अगर हम देखें कि इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है या नहीं है, कार्बन्स कितने हैं, दो हैं, आपने लिख दिया कि कार्बन टू, हाइड्रोजन कितने हैं, तीन, दो, पांच और एक, छह, हाइड्रोजन हो गए छह, ऑक्सीजन कितने हैं, एक, ऑक्सीजन हो गया एक, यहां पर कार्बन कितने हो गए, दो, हाइड्रोजन कितने हैं यहां पर, छह, ऑक्सीजन कितने हैं, एक। तो यहां पर आप देखिए कि ये अल्कोहल फैमिली से वाबस्ता है, ये ईथर फैमिली से वाबस्ता है, लेकिन इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम है। तो पहली पॉइंट क्लियर हो गई कि भाई इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। अगर सेकंड पॉइंट भी अगर हम आते हैं तो देखिए कह रहा सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला मास, तो अब एक कार्बन का एटॉमिक मास होता है और 12 होता है, तो दो का कितना हो जाएगा 24, एक हाइड्रोजन का एक होता है तो छह हाइड्रोजन का छह हो जाएगा और एक ऑक्सीजन का 16, इन सबको सम अप करें, 24 को 6 से एड कर दिया 30 हो गया, 30 को 16 के साथ एड कर दिया तो 46 बन गया। इसका जो मॉलिक्यूलर मास है या मॉलिक्यूलर फार्मूला मास है या जो मोलर मास है वो 46 बन जाता है। इसके लिए दो कार्बन के लिए 24, क्योंकि एक कार्बन का 12 है तो दो कार्बन का 24, छह हाइड्रोजन का छह और एक ऑक्सीजन का 16, तो इनको भी सम अप करेंगे तो 46 बन जाएगा। तो पहली पॉइंट भी क्लियर हो गई कि इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, दूसरी पॉइंट इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला मास भी सेम है। अब तीसरी पॉइंट पे आते हैं कि एम्पिरिकल फार्मूला, अब एम्पिरिकल फार्मूला का मतलब है इनको सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट करें, लेकिन अगर इनमें से कोई भी एलिमेंट ऑलरेडी सिंपलेस्ट है तो ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकते, जैसे यहां पर ऑक्सीजन क्या है, 1 है, तो 1 से ज्यादा और सिंपल नहीं हो सकता, इसलिए ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म है, तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला यही है, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी यही है, इसका एम्पिरिकल फार्मूला मास, एम्पिरिकल फार्मूला ये भी इसी तरह ही रहेगा और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी इसी तरह ही रहेगा, तो दोनों का एम्पिरिकल फार्मूला क्या रहा, सेम रहा, और इनका अगर आप मास निकालेंगे तो वो भी एम्पिरिकल फार्मूला मास सेम रहेगा, क्योंकि ये फर्दर सिंपलेस्ट नहीं हो सकते। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, वेपर डेंसिटी, या वेपर डेंसिटी को फाइंड कैसे करते हैं, वी डॉट पी, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 2। अब इसका मॉलिक्यूलर मास 46 है, इसका भी 46 है, दोनों में बातें की है, 46 डिवाइडेड बाय 2 क्या आ जाएगा, 23। अब इसका जो वेपर डेंसिटी वैल्यू होगा वो भी 23 होगा, इसका भी वेपर डेंसिटी वैल्यू जो होगा वो 23 होगा, तो दोनों के लिए जो फार्मूला वेपर डेंसिटी का आ रहा है वो सेम आ रहा है। लास्ट पॉइंट है सेम डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, अब सेम डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट के लिए आपके पास बॉन्ड इक्विवेलेंट के लिए आपके पास जो फार्मूला होता है वो होगा C+1H+X-N/2। अब ये जो फार्मूला है आपके पास, अब हम बात कर रहे थे चेन स्केलेटल आइसोमेरिज्म में, अब चेन स्केलेटल आइसोमेरिज्म के लिए जो पहला कार्बन है या दूसरा कार्बन है या तीसरा कार्बन है, फर्स्ट जो 3 कार्बन है इनके लिए नो आइसोमेरिज्म, कोई भी इनका आइसोमेरिज्म नहीं बनेगा, मतलब कोई भी इनका आइसोमर नहीं होगा, बाकी C4 से लेकर आगे जितने भी हैं उनके लिए कोई ना कोई आइसोमेरिज्म के फॉर्म्स बनेंगे, उनके लिए अपने पास जो जनरल फार्मूला है वो है 2n-4+1, ये एक जनरल फार्मूला है जिसकी मदद से आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किसी भी कंपाउंड जो कार्बन का है या हाइड्रोकार्बन है उसके कितने आइसोमर्स बन सकते हैं। C4 के लिए जो आइसोमर्स बनते हैं कार्बन 4 के लिए वो 2 आइसोमर्स बनते हैं,
अगर आपके पास कार्बन 5 है तो कितने SOS बनेंगे, इस फार्मूला में आप लोग करके देख सकते हैं। अब मैंने क्या लिखा है, 2n मतलब नंबर ऑफ कार्बन, कितने कार्बन के नंबर 5 माइनस 4 प्लस 1, 5 माइनस 4 क्या आंसर आ जाएगा 1 प्लस 1, 2 का पावर 1 सोल्व करेंगे क्या आ जाएगा 2 प्लस 1 क्या हो गया 3, मतलब 5 जो कार्बन से इनके 3 SOS बनते हैं। अगर हम कहते हैं C6 तो 2 पावर 6 माइनस 4 प्लस 1, मतलब n की जगह पे 6 पुट कर दिया, 6 माइनस 4 प्लस 1 आंसर क्या आ जाएगा 2 पावर 2 प्लस 1, पहले इनका पावर सॉल्व करें, पावर सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा 4 प्लस 1 कितने हो गए 5 SOS, 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5, तो जो हेक्सेन है उसके 5 SOS होंगे। जब एंट्री में क्वेश्चन आता है तो इसी तरह आता है कि भाई इसके कितने SOS बनेंगे, ये नहीं आपको कहा जाता कि SOS बना के दिखाएं, तो उधर इतना टाइम नहीं होता, लेकिन आपसे जनरल ये पूछा जाता है कि SOS कितने होंगे, तो इस जनरल फार्मूला की मदद से आप किसी भी कंपाउंड के SOS निकाल सकते हैं। सिंपल इतना याद करना है C1 C2 C3 जो इनिशियल तीन कार्बन है उनके कोई भी SOS नहीं बनेंगे, जो C4 है उसके 2 SOS बनते हैं, बाकी आगे के लिए आप जनरल फार्मूला यूज कर सकते हैं, C4 पे भी आप जनरल फार्मूला यूज कर सकते हैं। अब हम एग्जांपल लेते हैं कि आइसोमेरिज्म का जो टाइप चेन आइसोमेरिज्म में उसमें आपने पढ़ा था सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम फंक्शनल ग्रुप, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, जो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होगी वो डिफरेंट होगी, जस्ट पेरेंट चेन में चेंज आती जाएगी। और मैं यहां पर हाइड्रोजन अगर नाम भी पुट करूं तो आप ये कह सकते हैं कि भाई यहां पर कितने कार्बन से 4, 4 कार्बन को आप कहते हैं बट, इसका जो स्टेप है वो है बट, और इसके साथ जो सुफिक्स लगता है वो ANE, क्यों सुफिक्स ANE लग रहा है क्योंकि कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है। यहां पर आपने एन पुट कर दिया, एन मतलब नॉर्मल, मतलब ऐसी चेन जिसके ऊपर कोई भी अटैच ग्रुप ना हो उसको आप एन लिख देते हैं। अब अगर मैं इनके साथ हाइड्रोजन पुट कर दूं, इस कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया हुआ है तो 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन ने 2 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन ने 2 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन ने 1 बॉन्ड बनाया हुआ है 3 हाइड्रोजन, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका क्या बन सकता है C4, कार्बन कितने हो गए 4 और हाइड्रोजन कितने 3 2 5 2 7 और 3 10 हो गए C4H10। अब ये हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये पहली स्ट्रक्चर बन गई जिसको आपने कहा एन ब्यूटेन। अब चेन आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि पेरेंट चेन की जो तादाद होती है वो चेंज हो जाती है, यहां पर 4 कार्बन है, यहां पर पेरेंट चेन में कितने कार्बन आ गए 1 2 3। आपने नंबरिंग उस साइड से स्टार्ट करनी है जहां पर अटैच ग्रुप नियरेस्ट हो, तो यहां पर हो गया 1 2 3, आप इसको कह सकते हैं ये अटैच ग्रुप हो गया, अटैच ग्रुप कौन सी पोजीशन पर है 2 पर, तो हो गया 2, और अटैच ग्रुप कितने कार्बन पर बना हुआ है 1 पर, तो मीथ, स्टेप इसका बन गया मीथ, और अटैच ग्रुप के साथ हमेशा वाई लगता है 2 मिथाइल, लॉन्गेस्ट चेन या पेरेंट चेन में कितने एटम्स हैं 3, तो 3 को आप कहते हैं प्रो, और सिंगल बॉन्ड होता है तो क्या लगा देते हैं ANE। अब आपने देखा कि दोनों में मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम ही रहेगा, यहां पर हाइड्रोजन पुट कर दें 3, यहां पर हाइड्रोजन 1, यहां पर 3 हाइड्रोजन और यहां पर भी 3 हाइड्रोजन, इसी तरह इन कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा, स्ट्रक्चरल फार्मूला चेंज क्योंकि इनका नाम ही चेंज हो जाए। दूसरी चीज इजी पॉइंट ये है कि इनका जो पेरेंट चेन में तादाद है वो बिल्कुल डिफर हो जाता है, उसको आप क्या कहते हैं चेन ऑफ एस्केलेटल आइसोमेरिज्म। अब हम बात करते हैं 5 कार्बन की, 1 2 3 4 5, कितने कार्बन हो गए 5 हो गए। अब इनके साथ में हाइड्रोजन पुट नहीं करा, लेकिन 5 के लिए आपने कहा था कितने SOS बनेंगे 3, अब पेरेंट चेन में कितने कार्बन हैं 5 है, अब पेरेंट चेन में मैं कार्बन ले लेता हूं 4, एक अटैच ग्रुप लगा दिया, इस जगह पर लगा दूं या इस जगह पर लगा दूं एक ही बात है, लेकिन नंबरिंग मुझे उस साइड से स्टार्ट करनी है जहां पर अटैच ग्रुप नियरेस्ट हो, 1 2 3 4। अब ये लॉन्गेस्ट चेन है, इसके ऊपर इसी की तरह कोई भी अटैच ग्रुप नहीं है, तो आप इसको लिखेंगे एन मतलब नॉर्मल, लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है 5, 5 को आप स्टेम है पेंट, और इसका सफिक्स क्या बनेगा ANE, एन पेंटेन। अब यहां पर लॉन्गेस्ट चेन ये हो गए जिसको आप पेरेंट चेन कहते हैं, मदर चेन कहते हैं, बाकी ये जो चीज रह जाती है इसको आप कहते हैं अटैच ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट।
अब अटल जी किस पोजीशन पर है, 2 पर है, तो आपने इसको लिखा 2। एक कार्बन को आप क्या कहते हैं, मीथ, जैसे यहां पर आपने किया है मीथ। जब अटैच ग्रुप होता है तो लगा देते हैं व्हाइल, 2 मिथाइल। पैरेंट चेन में कितने कार्बन है, 4, 4 को आप बट लेते हैं और सफिक्स क्या लगा देंगे, एएनई, 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब अगर मैं कोई और आइसोमर इसका बनाना चाहूं, देखें इधर पैरेंट चेन में 5 कार्बन, इधर पैरेंट चेन में 4 कार्बन, इधर पैरेंट चेन में कितने कार्बन पुट करें, 3, कम करते जाए। एक अटैच ग्रुप इधर लगा दें, एक अटैच ग्रुप इधर लगा दें, लेकिन इसके साथ नीचे या इधर या इधर आप नहीं लगा सकते, क्योंकि फिर पेरेंट चेन को लार्जेस्ट चेन हम चूज करते हैं जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन हो। तो इसी तरह आप इसमें 1, 2, 3, तो ये भी आपके पास अटैच ग्रुप हो गया, ये वैलेंस ग्रुप। वैलेंस ग्रुप कौन सी पोजीशन पर है, 2, 2, 2, वैलेंस ग्रुप 2 है, तो 2, 2 लिखा। ये भी एक कार्बन वाला अटैच ग्रुप है, ये एक वाला, तो आप क्या लिखेंगे, डाय मीथ, क्या लगा देंगे, वायल, 2, 2 डायमिथाइल और पेरेंट चेन कितने कार्बन है, 3 प्रोप, और क्या लगा देंगे, एएनई, 2, 2 डायमिथाइल प्रोप है। तो ये अपने पास चेन आइसोमेरिज्म आइसोमेरिज्म के लिए फिनोमेना। अब हम आगे चलते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म की तरफ, जहां पर हमें ये देखना है कि पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या चेंज आती है। ये सेम फिनोमेना आप किसके लिए, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन के लिए भी कर सकते हैं, चेन आइसोमेरिज्म साइक्लिक हाइड्रोकार्बन के लिए भी आप बना सकते हो। अब हम बात करते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म की, तो पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या होता है, इसमें आप लिखेंगे सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम फंक्शनल ग्रुप, पोजीशन इज डिफर, पोजीशन इज डिफर, यहां पर जो पोजीशन होगी वो क्या होगी, डिफरेंट होगी, तो उसको आप कहते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। फॉर एग्जांपल मैं इसको ऐसा लिखूं, CH3, CH2, 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 CH। अब मैंने नंबरिंग वहां से शुरू करनी है जहां पर अटैच ग्रुप या फंक्शनल ग्रुप नियरेस्ट हो, अब नंबरिंग मैंने यहां से शुरू की 1, 2, 3, 4, अब इसका नाम बन जाएगा 1 क्लोरो ब्यूटेन। अब अटैच ग्रुप या जो फंक्शनल ग्रुप है किस पोजीशन पर है, 1 पर है। अब इसके लिए आप क्या करें, वन टू थ्री फोर, अब कितने हो गए, 2 क्लोरो ब्यूटेन। अब हमारे पास देखिए पेरेंट चेन में कितने कार्बन से, 4, यहां भी पेरेंट चेन में कितने कार्बन से, 4। ये याद रखिए, अगर पेरेंट चेन में चेंज नहीं आ रही तो समझ जाएंगे पोजीशन आइसोमेरिज्म ही होगा, वहां पर पेरेंट चेन में चेंज आ रही थी, पेरेंट चेन में पहले 5 कार्बन थे, फिर 4 हो गए, फिर 3 हो गए। यहां पर पेरेंट चेन में पहले भी 4 कार्बन थे, अभी भी 4 कार्बन है, तो मतलब ये चेन आइसोमेरिज्म नहीं है, ये पोजीशन आइसोमेरिज्म है, क्योंकि पोजीशन आइसोमेरिज्म फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन यहां पर 1 है और यहां पर 2 है। तो इस तरह के आइसोमेरिज्म को आप क्या कहते हैं, पोजीशन आइसोमेरिज्म। फॉर एग्जाम्पल हम यहां पर एक फार्मूला यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं VT, क्या कहते हैं, VT यूज करते हैं। अब इनके लिए आप यह फार्मूला यूज करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या वैल्यू आना चाहिए। यहां पर देखिए V जो हमें शो कर रहा है नंबर ऑफ कार्बन को शो कर रहा है, और जो T शो कर रहा है, इधर मैं लिख देता हूं नंबर ऑफ कार्बन को शो कर रहा है, और T जो है वो अटैच्ड ग्रुप को, किसको, अटैच्ड ग्रुप को। अब देखिए यहां पर कार्बन कितने हैं भाई, 4, तो V जो है वो यहां पर है 4 है, और यहां पर जो अटैच ग्रुप है कोई है दिखाई दे रहा नहीं, तो T क्या हो गया, 0, तो मतलब VD क्या बन गया, 40, VD क्या बन गया, 40। अब इसके लिए भी आप ये देखें कि यहां पर सेम आ रहा है या चेंज आ रहा है। अब यहां पर V कितना है भाई, 4 है, और T देते हैं यहां पर क्या है, अब इस मॉलिक्यूल के लिए क्या है, V कितने कार्बन से, 4 है, तो V हो गया 4, और T जो है जिसको आप अटैच ग्रुप कहते हैं, यहां पर अटैच ग्रुप ये नहीं है, ये फंक्शनल ग्रुप है, तो यहां पर T भी क्या हो गया, 0, तो इसका भी जो वैल्यू है VT वो क्या हो गया, 40 हो गया।
जो भी पोजीशन आइसोमेरिज्म होगा उनका VT वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा। VT कैसे पता चला, 1, 2, 3, 4 V जो है वो कार्बन की तादाद पर शो कर रहा है। आपने कार्बन यहाँ पर चार है, चार पुट कर दिए। क्या यहाँ पर कोई अटैच ग्रुप है, अटैच ग्रुप नहीं है तो T हो गया 0। तो VT जो होता है वो किसके बराबर हो गया, 40 के बराबर। यहाँ पर भी कितने कार्बन से टोटल 4, V हो गया 4। यहाँ पर कोई अटैच ग्रुप है, ये अटैच ग्रुप नहीं है, ये फंक्शनल ग्रुप है, तो फंक्शनल ग्रुप को अटैच ग्रुप कंसिडर नहीं कर सकते। तो यहाँ पर डी भी क्या हो गया, 0। तो आंसर दोनों का क्या आ गया, बराबर आ गया, 40-40। तो पोजीशन आइसोमेरिज्म में आप लिखेंगे, इन पोजीशन आइसोमेरिज्म सेम VT वैल्यू हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। और इनमें जो पेरेंट चेन की तादाद होगी वो भी क्या होगी, सेम ही रहेगी। ये भी एक इजी ट्रिक है जिससे आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई इसमें भी चार कार्बन से पेरेंट चेन, इसमें भी चार है, तो डेफिनेटली ये पोजीशन आपका लेना होगा। लेकिन जब इस तरफ आप चले जाते हैं चेन आते हैं इसके लिए आइसोमेरिज्म में, तो इसमें वीटी जो होता है वो कभी भी बराबर नहीं आएगा, कभी भी इक्वल नहीं होगा। वीटी नॉट इक्वल, अगर कोई भी कंपाउंड से और वीटी को नहीं आ रहा तो समझ जाए कि ये चेन आइसोमेरिज्म है या इसके लिए आइसोमेरिज्म है। ये तो हम यहाँ पर भी देख के बता सकते हैं कि भाई कितने कार्बन से पेरेंट चेन है, 5। यहाँ पर कितने हैं, 4। यहाँ पर कितने हैं, 3। तो पेरेंट चेन में जब तादाद चेंज होती जाए, कम होती जाए या एक दूसरे के बराबर ना हो, आप समझ जाए कि यहाँ पर वीटी का वैल्यू कभी भी इक्वल नहीं आएगा और ये चेन स्केलेटल आइसोमेरिज्म का टाइप ही कहलाता है। जैसे यहाँ पर मैं अगर कह दूं कि वी कितना है भाई, 5, 1, 2, 3, 4, 5, तो वी हो गया 5। यहाँ पर कोई अटैच ग्रुप नहीं है तो टी हो गया 0, तो क्या हो गया, 50। यहाँ पर वी का वैल्यू कितना बन गया, 4। लॉन्गेस्ट चेन पेरेंट चेन कितने कार्बन है, 4। और ये क्या अटैच ग्रुप, टी कितना हो गया, 1, तो कितना आ गया, 41। अब इसमें आ जाए वी का वैल्यू कितना है, 3। पेरेंट चेन कितने कार्बन है, 3। और टी का वैल्यू अटैच ग्रुप कितने है, वो 2, कितना हो गया, 32। जब भी इनका VT वैल्यू बराबर ना आए तो समझ जाए चेन आइसोमेरिज्म है। अगर वैल्यू बराबर आ रहा है तो आप इसके लिए जो VT वैल्यू है वो कितना आ गया भाई, 50। इसके लिए VT वैल्यू क्या हो गया, 50। इसके लिए VT वैल्यू कितना आ गया, 41। इसके लिए VT वैल्यू कितना आ गया, 32। तो देखें यहां पर वैल्यूज क्या बराबर आ रहे हैं या नहीं। जब बराबर नहीं आ रहे तो उसको आप चेन आइसोमेरिज्म या इसके लिए आइसोमेरिज्म कह सकते हैं। और दूसरी चीज यहां पर यह भी क्लियर है कि यहाँ पर पेरेंट चेन में 5 कार्बन है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है। जब पेरेंट चेन बराबर नहीं है तो चेन आइसोमेरिज्म है, और अगर पेरेंट चेन बराबर है तो आप पोजीशन आइसोमेरिज्म कह सकते हैं या वीटी के वैल्यू को यूज करके आप इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अगर आपको ये मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो काइंडली सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, और इससे रिलेटेड अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन सजेशन देनी है तो लाजमी हमें इनबॉक्स कीजिए। थैंक यू सो मच।